ओम अज्ञानति मिरांदस्य ज्ञानमजं शलाक्या चक्षुरं मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः वाञ्छाकल्पद्रुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदानाय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यमे गौरतुभ्यश्च नमः तप्तकाञ्चन गौरांगे राधे वृन्दावनेश वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते वृंदाय तुलसी देव्या प्रियाय देशवसच विष्णु भक्ति परदे देवी सत्यपते नमो नमः जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे भगवान महिमा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं जिस प्रकार अग्नि में दाहिक शक्ति स्वाभाविक है यानी जलाने की शक्ति उसके अंदर स्वाभाविक है उसे कुछ करना नहीं पड़ता जो भी अग्नि में हाथ डालेगा वो जलेगा जलेगा उसी प्रकार भगवान नाम में पाप को विषय प्रपंच जगत के मोह को जला डालने की शक्ति स्वाभाविक है इसी प्रकार जो भगवान नाम का जप करता है उसके जो पाप है और उसके अंदर जो विषय प्रपंचों में जो फंसा है प्रभु उसके प्रपंचों से बाहर निकालते हैं और उसके मोह को जला डालते हैं यानी केवल जप करने से हो सकता है कभी समय लगे लेकिन धीरे धीरे हर चीज हो ही जाती है कई बार क्या होता है किसका आवरण कितने मात्रा में अर्थ में हमें पता नहीं जिसका मिट्टी का आवरण थोड़ा है वो कपड़े साफ करेगा तो साफ तो साफ हो जाता है किसका मोटा है आवरण तो उसको समय लगता है साफ करने को और जिसका बहुत ही ज्यादा मोटा है तो उसको तो तोड़ना पड़ता है तो यानी बहुत मुश्किल होता है समय लगता है उसी प्रकार हर मनुष्य को फल उसके समय के अनुसार मिलता है उसके हृदय में कितना ज्यादा आवरण संसार का ये तो भगवान जानते हैं लेकिन हरिनाम कभी निष्फल नहीं जाता वो अपना प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाता ही है तो कहते हैं पाप को नष्ट करता है विषय प्रपंचों से हमें निकालता है और मोह को जला डालता है इस पे भाव की आवश्यकता नहीं यानी बगैर भाव के भी करोगे तो भी वह अपना फल देगा ही देगा किसी प्रकार भी नाम जीव पर आना चाहिए फिर नाम का जो स्वाभाविक फल है वह बिना श्रद्धा के भी मिल ही जाएगा यानी जैसे जाने अनजाने में आप दवाई खाओ वो अपना काम करेगी करेगी उसी प्रकार नाम भी अपना काम करेगा ही करेगा चाहे आपको श्रद्धा हो या ना हो आप जबरदस्ती नाम लो कहते किसी प्रकार भी नाम जीव पर आना चाहिए कोई नाम का जो स्वाभाविक फल है वह बिना श्रद्धा के भी मिल ही जाएगा इसलिए आप यह नाम जप करिए कोई बात नहीं श्रद्धा ने संत की बात मानते कर लीजिए उन्हें क्या करने के लिए इसके करना है अपने आप श्रद्धा भी पैदा हो जाएगी और उसके प्रभाव को देखोगे तो विश्वास भी आपके अंदर जागृत हो जाएगा तर्कशील बुद्धि भ्रांत धारणा करवा देती है कि बिना भाव के क्या लाभ होगा ये जिनकी बुद्धि तर्क करती है तो लोग कहते बुद्धि चलाती है तो कहते भाव तो यानी फायदा का नाम जप के तो बिना भाव के क्या लाभ होगा पर समझ लो ऐसा सोचना अपने हाथों अपने गले पर छुरी चलाना है यानी ये गलत धारणा है कि भाई भाव नहीं है भाव तो भैया बाद में आते धीरे धीरे भजन करते करते बनते हैं आप पहले आंखों से ऊंची कक्षा की बात करोगे जो नीची कक्षा वाला है वो कैसे संभव होगा उसको किसी भी का नाम जपने दो नाम जपो अशोक कथा सुनाओ धीरे 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 अपना प्रभाव नाम दिखाएगा दिखाएगा भाव हो तो बहुत ठीक है परंतु हमें भाव की ओर दृष्टि जब भाव हो या नहीं हमें आवश्यकता नाम लेने की
मैंने दवाई खाने की जरूरत है, चाहे भाव हो या ना हो, नाम की आवश्यकता भाव की नहीं, नाम की आवश्यकता दवाई खाओ, भाव समय अनुसार जाकर करेगा। अब पहले ऊंची भाषा मत करो, भाव नहीं है, फायदा क्या, ये नहीं है, वो नहीं है, भाई जो जिस श्रेणी का है उसको उसी श्रेणी में रहने दो, साधु संग और हरि कथा उसे अपने आप उठा के ले जाके जिधर उसको लेके जाना। अब वो कितनी ईमानदारी से कथा सुनता है, कितनी ईमानदारी से नाम जप करता है, सब उस पर भी निर्भर करता है। तो कहते भाव हो या नहीं, या हमें आवश्यकता नाम लेने की, नाम की आवश्यकता भाव की नहीं। भाव हो तो बहुत ठीक, परंतु हमें भाव की और दृष्टि नहीं डालनी है, हमें पहले भाव पर ध्यान नहीं देना है। पहले सोचो इसको कैसे भी दवाई खिलाओ, यानी कैसे भी उसे नाम जपाओ, पहले ये कोशिश करो। भाव ना हो तो भी नाम जप तो करना ही है, यानी आप ये नहीं कह सकते कि भाव नहीं बनता तो नाम जप, सिर्फ नाम जप चुपचाप करते रहो, चाहे भाव हो चाहे भाव ना। मानस कहता है अच्छे भाव से, बुरे भाव से, आलस से, क्रोध से, कैसे भी जप करो आपको फल मिलता ही मिलता है। तो यानी उन्हें कहा इसका मतलब बुरे भाव मत, कि भाव नहीं भी बनते, अगर बुरे भाव आ जाते आने दो, आप जप करते जाइए, आप उसकी चिंता मत करिए। जैसे जैसे अंतःकरण शुद्ध होगा आपके भाव बनते जाएंगे, सब कुछ अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। देखो नाम भगवत स्वरूप ही है, नाम अपनी शक्ति से, नाम अपने वस्तु गुण से सारा काम कर देगा। नाम भगवत स्वरूप, यानी नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, यानी भगवान और भगवान का नाम दोनों अभिन्न है। नाम अपनी शक्ति से, नाम अपने वस्तु गुण से सारा काम कर रहा है। नाम में जो शक्ति है वो प्रकाशित हो जाएगी, और उस पर जो गुण है पाप जलाने के, वो सब करेगा ही करेगा, मोह का भी नाश करेगा, पाप को भी जलाएगा, प्रेम भी उत्पन्न कराएगा, क्योंकि नाम की विशेषता है, सब कुछ करेगा। विशेषकर कलयुग में तो भगवान नाम के सिवा और कोई साधन ही नहीं है, यानी और साधन की प्रयास करने की जरूरत नहीं कि मैं अन्य साधन को अपना लो, कोई आवश्यकता नहीं है, एक ही साधन अपना लो कि बस नाम जप करना है, सारे साधन इसके अधीन आ जाते, सारे साधन भगवान नाम के अधीन है, क्योंकि सारे साधनों का फल है भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न करना, नाम में प्रेम उत्पन्न करना, बस यही है। अगर सारे साधन किए और नाम जप नहीं किया तो उसका कोई मूल्य नहीं है, कुछ भी साधन नहीं बन पाया, केवल हरि नाम हो पाया, उससे आपको तो भी पूर्ण कृपा प्राप्त हो ही जाएगी। इसलिए जी को हरि नाम करते रहना चाहिए, नाम जप करते रहना चाहिए। मनोनिग्रह बड़ा कठिन है, चित्त की शांति के लिए प्रयास करना बड़ा ही कठिन है, यानी मन को अधीन करना असंभव है। अर्जुन ने तो कह दिया गीता में कि वह हवा की तरह, हवा को पकड़ना फिर भी आसान है लेकिन मन को नहीं। जब अर्जुन की अवस्था जो भगवान के नीचे जाना है, तो हम कैसे मन को निग्रह करेंगे बताओ मुझे। तो चित्त की शांति प्रयास करना बड़ा ही कठिन है कि हमारे मन को शांति मिले, कैसे मिलेगी। जब तक जीव कथा नहीं सुनेगा, जब तक जीव नाम का आश्रय नहीं लेगा, उसे कुछ भी कृपा मिलने वाली नहीं है। तो कहते हैं मनोनिग्रह बड़ा कठिन है, चित्त की शांति के लिए प्रयास करना बड़ा ही कठिन है, पर भगवान नाम तो इसके लिए भी सहज साधन है। बस भगवान नाम की जोर से ध्वनि करो, बस नाम जपते जाओ, उसकी चिंता मत करो। तो कहते सबसे सहज साधन क्या है, भगवान का नाम, बस उसी को हमको करते रहना, बस करते जाओ, बाकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। नाम अपने समय पे सब कुछ देगा, किसको जल्दी कृपा मिलती, किसको लेट मिलती है, उसके पाप की प्रबलता पे सबको निर्भर करता है। जिससे कम पाप उसको जल्दी आराम आता है, जिसके प्रबल पाप है उसको भी आराम मिलता है, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है।
तर्क भ्रांति लाती है कि रोटी रोटी करने से पेट थोड़े ही भरता है, पर विश्वास करो भगवान नाम रोटी की तरह जड़ शब्द नहीं है। रोटी जड़ शब्द है, पानी बोलने से प्यास नहीं बुझती, क्योंकि ये जड़ शब्द है। भगवान का नाम चिन्मय है, वो जड़ नहीं है, वो अप्राकृतिक है। भगवान अभगवान के नाम में लेश मात्र भी अंतर नहीं है। तो कहते हैं पर भगवान नाम रोटी का जड़ शब्द नहीं है, वो शब्द ही भ्रम है। नाम अनामी में कोई अंतर ही नहीं है। नाम अनामी में कम नाम लेते ही नामी को आना पड़ता है, और नाम जपने से नामी अपने आप प्रकट हो जाती है कि दोनों अभिन्न है। आलस और तर्क ये दो नाम जप के बाधक है। आलस कर लेंगे, क्या घाई है, समाज में कर लेती है, थोड़ा ये कर लो वो कर लो, थोड़ा आराम कर लो, नाम ही तो जपना है बाद में, ये आलस है। फिर क्या तो जप होता नहीं है, तो आलस हमें बिल्कुल नहीं करना है। अगर हमें अपनी संख्या पूरी करनी है तो संख्या पूरी करनी ही करनी है। आलस करोगे तो नाम जप नहीं होगा। दूसरा तर्क यानी बुद्धि चलाओगे, क्योंकि प्रभु जो है वो बुद्धि से परे है। हमारी बुद्धि प्राकृतिक है और प्रभु अप्राकृतिक है, तो प्राकृतिक से अप्राकृतिक को जाना नहीं जा सकता। तो प्राकृतिक बुद्धि अगर अप्राकृत के विषय में कुछ कहती है तो वो गलत है, उसको उसको ग्रहण करना है एज इट इज और फॉलो करना है और उसका अनुसरण करना है। संत जो कहते हैं समय आने पे हर चीज अपने आप प्रकाशित हो जाती है, नाम अपने आप प्रकाशित किए। वह संतों पे श्रद्धा रखो, नाम जप करो, अपने आप समय आने पे हर चीज प्रकाशित होगी होगी। तो क्या आलस अतर ये दो नाम जप के बाधक है, पर आलस के कारण ही कह सकते हैं कि नाम जप होता नहीं। आलस है कोई तो इंसान की संख्या पूरी नहीं की है, वो करता नहीं है, बाकी वो हर बहाने ढूंढता नहीं करने का, यानी क्योंकि उस पर नाम की महिमा पता नहीं है, उसने नाम के प्रभाव को अनुभव किया नहीं है, नाम के विषय में उसके महिमा को उसने श्रवण किया नहीं है। क्योंकि उसने नाम का श्रवण नहीं किया, उसकी महिमा को जानता नहीं है, उसे अनुभव नहीं किया है, तो ये तो सबसे बड़ी इसकी समस्या क्या है कि वो नाम को महत्व देता नहीं है और नाम उसका रह जाते हैं। तो आलस्य कारण ही कह बैठते कि नाम जप होता नहीं है, बाकी सारे काम होते हैं तो नाम जप क्यों नहीं होता। उल्टा नाम जप तो केवल जीवा को हिलानी है, तो क्या जीवा नहीं हिला सकते अपनी, यानी व्यर्थ की बातें हम करते हैं, निंदा चुगलिया करते हैं, गाली गलौज करते हैं, सब करते हैं, लेकिन नाम लेने में क्या समस्या है। अभ्यास बनाओ, नाम लेने की आदत डालो, अभ्यास बनाओ, क्योंकि अभ्यास के लिए करना बार बार करना पड़ता है, जबरदस्ती करना पड़ता है, फिर वो अभ्यास स्वभाव में आ जाता है। जब स्वभाव बदल जाएगा तब नाम जपे बगैर आपसे हार नहीं जाएगा। तो पहले बल पूर्वक करना पड़ता है, जब तक अभ्यास ना हो जाए, अभ्यास होने के बाद करना नहीं पड़ता, वो सतत जीवन में आ जाता है, ना कि नाम जप छूटता नहीं है। नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, इस पर श्रद्धा रखो। नाम लेते भव सिंधु नहीं, जन्म मृत्यु का चक्कर समाप्त हो जाता है, इस विश्वास को दृढ़ करो। कंजूस की भांति नाम को संभालो, जैसे कंजूस इंसान पैसे खर्च नहीं करता है, बहाने ढूंढता नहीं खर्च करने को, और ये कहता मेरे पास कुछ नहीं है कुछ नहीं है, ये तो भौतिक धन की बात है। अगर जीव भौतिक धन में भी कंजूसी करता है, खर्चा नहीं करता है, यानी भगवान की सेवा में नहीं लगाएगा, तो क्या परिणाम होगा, या तो वो जो धन है उसके रोग का कारण बनेगा, तो आपको बीमारियों में पैसे जाएंगे, या तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देगा और आपको पाप कर्म में लगा के वो आपको तबाही करेगा। इसलिए हर मनुष्य का पहले तो कर्तव्य अपनी क्षमता के अनुसार भगवान की वैष्णव की सेवा करना। तो लोग अक्सर बाहर होटलों में सब जगह पे कपड़ों पे होटलों में पैसे उड़ाएंगे, लेकिन जब सेवा की बात आती है तो सबको कंजूसी आ जाती है कि हम कैसे कमाता है ही नहीं, ये नहीं वो नहीं, बहाने करते हैं।
तो परिणाम क्या होता है कि हमने तो अनुभव किया लोगों के साथ, लोगों को भले समझ लिया, हम बोलते नहीं है क्योंकि उनका दिल दुखी हो जाएगा, इसका बोलते नहीं है, पैसे नहीं देते हैं, 15 दिन 20 दिन के बाद देते हैं, उनको हॉस्पिटल में बच्चा बीमार होता है, पति बीमार होता है, कोई बीमारी आती है, जाके उनके 5-6 हजार रुपये लग जाते हैं, हम बोलते 500 रुपया तो कहते नहीं है, और 5-6 हजार रुपये उनके लग जाते हैं। ये हमने खुद एक बार नहीं कई बार इसको अनुभव किया, बहुत से लोगों के साथ किया। या तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट होने से क्या होता है, वो इंसान गलत जगह पे पैसा लगा देता है, उसके पैसे चले जाते हैं, टिकते नहीं है। क्यों नहीं टिकते हैं, क्योंकि तो लक्ष्मी जो है भगवान की पत्नी है, वो तुम्हारी माँ है, वो तुम्हारी भोग्य वस्तु नहीं है। तो पत्नी को पति की सेवा में लगाओ या उसके निज जनों की सेवा में लगाओ तो कृपा मिलेगी, तो लक्ष्मी तुम्हारे पास रहेगी, नहीं तो तुम्हें बर्बाद करके चली जाएगी, चाहे बीमारी के रूप में चाहे बुद्धि भ्रष्ट करके जाएगी। और यही होता है। तो कहते हैं कि नाम को भी कंजूस की भांति संभालो, मतलब कि नाम को ऐसे संभालो कि भाई जैसे कंजूस था, और धन मिले, और नाम जपो, और नाम जपो, और नाम जपो, और नाम को जब संपत्ति इकट्ठी करोगे तो उसको व्यर्थ मत का व्यर्थ मत कमाए, संसारी तुच्छ वस्तुओं के लिए नाम को खर्च मत करो, नाम का प्रयोग करो भगवान के चरणों को प्राप्त करने के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, और जब प्रेम मिलेगा तो आपको भगवान की सेवा मिलेगी, उससे ऊपर कोई चीज नहीं है, भगवत धाम में निजी समय नियुक्त हो जाओगे। तो हम लोग क्या करते हैं, नाम को बेचते रहते हैं, छोटी छोटी चीज, ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, वो काम हो जाए, क्या मांगते हैं, संसार की हर वस्तु नश्वर है, हर वस्तु सीमित है, थोड़े समय के लिए है, और उसके बाद वो चीज खराब होगी, खत्म हो जाएगी। तो आपने इतनी मेहनत की, साधन की उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जो थोड़े क्षण के लिए थी, समय के लिए थी, और वो खत्म हो गई, कोई बुद्धिमान नहीं है। नाम का प्रयोग करो भगवान के अविनाशी चरण को प्राप्त करने के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, प्रेम से सेवा प्रकट होती है और सेवा से भगवान वशीभूत हो जाती है। निश्चय समझो नाम के बल से बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाओगे, और भगवान के प्रेम को भी प्राप्त कर लोगे। आश्वासन दे रहे हैं कि नाम के बल से बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाओगे। कोई विशेष अलग से ज्ञान का आश्रय, कर्म कांड का आश्रय करने की जरूरत नहीं, ना कोई योग का, ना कोई अन्य साधनों का, केवल नाम जपते 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 बड़ी आसानी से आप भव सागर से तर जाओगे और भगवान के प्रेम को भी प्राप्त कर लोगे, क्योंकि नाम जो है भगवान से अभिन्न होने के कारण ये भगवान का प्रेम प्राप्त करता है, जिससे भगवान वशीभूत होते हैं। निरंतर भगवान नाम, भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, मेरे विचार से सर्वोत्तम साधन यही है। निरंतर भगवान का नाम, कीर्तन का मतलब मैं आपको कीर्तन ही तो करो, यानी जो कथा सुनते हो उसको सुनाना, ये सर्वश्रेष्ठ कीर्तन है, जो सुना उसको चारण करना। उससे क्या होता है, जहां पे आपकी ऊर्जा जा रही है, ऊर्जा की शक्ति कहां पे जा रही है, भगवान का गुणगान करने में, तो आपकी आसक्ति उधर ही जाएगी। जिधर आपकी ऊर्जा जा रही है, आप क्या करो, क्या क्रिया करो, जिस क्रिया में अपनी शक्ति को प्रयोग करोगे, आपकी आसक्ति उधर ही उपलब्ध होगी। इसलिए उसका दुरुपयोग मत करो संसारी चर्चाओं के लिए या उधर की व्यर्थ की बातों में, उसका प्रयोग करो भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो कहते हैं भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, मेरे विचार सर्वोत्तम साधक यही है। हरे को हरि नाम, इसी उपाय से सबका मंगल दिखता है, और अन्य उपायों में राग द्वेष उत्पन्न होकर फंस जाने का भय है। तो मतलब क्या हो गया, जब इंसान हार जाता है सब तरफ से, तो वह हरिनाम का आश्रय लेता है, यानी अपने आप को असहाय समझना और अपने आप को दीन मानना कि मैं तुच्छ बेकार हूं, किसी योग्य नहीं हो, असहाय मानना, आत्मभाव से भगवान को पुकारना। यह आत्मभाव भी भगवान की दया से ही आती है। कई बार ऐसा देखा गया है, हम भजन तो करते हैं, जो आत्मा बोलते हैं
असहाय अवस्था में, हेल्पलेस कंडीशन जिसको बोलते हैं, वो नहीं उठता हाथी हमारे हृदय में, तो भगवान क्या करते हैं, उनके एक काम में 10 काम और सवरते हैं, किसी दुष्ट को आपसे बढ़ा देते। तो आप बोलोगे यार मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, कुछ है नहीं, कोई दुष्ट को मेरे से क्यों बढ़ाएगा, मैं से क्यों बढ़ गया, क्या बात है, मेरे पीछे पड़ गया, लड़ाई में से कर पटांग बोल रहे क्यों? क्योंकि क्या होता है, दुष्ट जैसे देवताओं ने आकाशवाणी की कि देवी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा, तो पूछा गया कि बगैर आकाशवाणी के नहीं आ सकते थे, आकाशवाणी करने की आवश्यकता थी? तो कहते हैं अगर कंस रथ को हांकता तो उसे वैष्णव सेवा का फल मिलता और उसकी आयु बढ़ जाती और वो दुष्ट था ही, वो और संसार में अत्याचार फैलाता। जब आकाशवाणी की तो उसने क्या किया, देव के वासुदेव को मारने की चेष्टा की, तलवार निकाली। यानी जब दुष्ट भक्तों से भिड़ जाता है, उसे पीड़ा पहुंचाने की चेष्टा करता है, तो उसके सारे पुण्य शीघ्र खत्म हो जाते। तो भगवान चाहते हैं कि उसके पुण्य शीघ्र खत्म हो ताकि मैं अवतार, मेरा अवतार फटाफट हो जाए, क्योंकि जब तक पुण्य है तो उसका वध भी नहीं कर सकता, प्रभु काल में विलंब हो जाता है। अगर शीघ्र लाना तो देवता क्या करते हैं कि दुष्ट को संत से बढ़ा देते हैं, उसको तंग करते हैं, तो संत तो एक तो उसका पुण्य खत्म होता है, और जो भक्त होते हैं वो देखते हैं कि मैं माला करता हूँ जब करता फिर भी कष्ट आ रहा है, वो आर्त भाव से भगवान को पुकारते हैं, प्रभु मैं हार गया, कृपा करो बस करो, अब मेरे से सहा नहीं जाता, हाथ ऊपर कर, प्रभु अब तो मुझे बुला लो, अब तो आप आ जाओ, मेरी रक्षा करो, मैं हार चुका सब जगह से। ये आर्त भाव जब हृदय से निकलती है तो वहां पे कृपा की अनुभूति होती है, ये प्रभु ही इस प्रकार की स्थिति लाते हैं। तो आपको क्या फायदा हुआ, एक तो आत्मा हुई, दूसरा प्रतिकूल परिस्थिति जब आपके जीवन में आई, आपका अहंकार नष्ट हुआ। देखो आपको क्या लगता कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरे जैसा कोई भक्त नहीं है, तो कई बार प्रभु क्या करते हैं, आपके भक्तों को भी झटका देते हैं। क्यों झटका देते हो, कई बार हमें अभिमान होता है कि मैं बहुत माला करता हूँ, मेरे जैसा कोई भक्त नहीं है, तो प्रभु कहते हैं कि तेरे को अपने साधना का भरोसा है कि मैं साधना के बल पे बचा हुआ हूँ, बिल्कुल नहीं, तेरी साधना कुछ भी नहीं, चाहे तू 200 माला भी कर तो भी कुछ नहीं है, क्योंकि हम, मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे 1000 चतुर्युग जो बीतता है, शतुर्युग देता तो आप कलयुग 1000 बार है, उसको एक कल्प होते हैं, ब्रह्मा जी का एक दिन है और उतनी लंबी उसकी रात है, तो सोचो कितनी लंबी उसकी रात है, और हमारे करोड़ों अरबों साल निकल गए ब्रह्म लोक में, तो उसके 12 घंटे भी थे, 12 घंटे की रात 24 घंटे भी थे, उसका हफ्ता कितना होगा, उसका साल कितना होगा, उसके 100 साल कितने होंगे, लेकिन ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी क्या 100 साल ही है, उस लोक में जाओगे तो इधर लगता है करोड़ों अरबों साल बीते, उधर तो 100 साल ही बीते हैं। जो ब्रह्मा जी के 100 साल की आयु है, भगवान विष्णु की आंखें झपको जैसे एक निमेश होते, तो मेरे एक ब्रह्मा पैदा होकर खत्म भी हो गया, कितने ब्रह्मा कितने देव पता नहीं, तो ब्रह्मा की गिनती भी जिसके आगे कुछ नहीं है, वहां पे 50, 60 माला, 100 माला, 200 माला का क्या मूल्य, हमारी क्या साधना का देखा जाए, तो जिसका हम अभिमान करते हैं, साधना करना हमारा कर्तव्य है। क्यों करना कर्तव्य है, क्योंकि जब माला अधिक करोगे तो वो चीज आपके हृदय के अंदर प्रवेश करेगी, वो फिर भाव उत्पन्न करेगी, प्रेम उत्पन्न कराएगी, पाप कर्म से बचाएगी, उतने समय आप पाप कर्म नहीं करोगे, निंदा स्तुतियों से बचाएगी। तीसरा फायदा क्या होता है, निरंतर जाप करने से आप कुसंग से बच जाते हो, व्रत की चर्चा नहीं करते, निंदा चुगल कुसंग से बच जाते हो, और अभ्यास हो जाता है, आपके कर्म करते हैं फटाफट कर्म करते शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे कितने भयानक कर्म है, कितने पहाड़ कर्म, बुरे कर्मों के हमें पता नहीं, और कितने प्रबल है, तो इसलिए हमको फल मिलने में विलंब होता है, क्योंकि तो पहाड़ जैसे एक बुरे कर्म है उनको काटने में समय लगता है, और किसको जल्दी फल इसलिए मिलता है तो उसके थोड़े से कर्म होते हैं, वो थोड़े जाप से नष्ट हो जाते हैं, हमारे तो पहाड़ों जैसे बुरे बुरे कर्म है, उसको नष्ट करने में हमें किसके चाहिए, डायनामाइट की जरूरत पड़ती है,
जो क्लास करे, तो हरिनाम अधिक मात्र करना ही डायनामाइट है। और वो क्या करता है, सारे कर्मों को आपके तोड़ फोड़ के खत्म करता है। ये जो नाम जो है, तो उसको कहते हैं, इसके उसमें इतनी शक्तिशाली है, अगर मैं आपको गाली देता हूं तो आपको गुस्सा आ जाता है लड़ने को। तो मैंने कहा आपको मारा नहीं, कोई चोट नहीं पहुंचाई, तो गाली का एक शब्द है। अगर गाली देने से आपका मन उत्तेजित होता है, उद्वेग को प्राप्त होता है, तो सोचो नाम जप करने से कितना लाभ होगा, वो शब्द में कितनी शक्ति है। नाम जप भी तो शब्द है, उसमें कितनी ऊर्जा भरी है, क्या नहीं कर सकता वो, उसका प्रयोग करके देखिए। तो क्या होता है कि आपका अहम टूटता है, आपकी सहन शक्ति बढ़ती है, कि भगवान असह अवस्था में आपको रखते हैं, और आपके अंदर दीनता आती है, जो सबसे कठिन आना। तो कई बार भक्तों के साथ प्रभु ऐसा, कभी भी आप देखोगे हनुमान जी के अहंकार को तो मानस में पड़ेगा सीखना, गरुड़ जी के अहंकार को तोड़ते हैं। किस किस का अहंकार प्रभु ने नहीं तोड़ा मुझे बताओ। प्रभु ने, क्योंकि भक्त भी कई बार भजन करता है, उसको अनुकूलता मिलती है, हमेशा अनुकूलता मिलने से उसे कई बार अपने साधन का अभिमान होता है या अपने भजन का अभिमान होता है, तो प्रभु उसका भी अभिमान तोड़ते हैं। उसको ऐसा दिखाएंगे, उसका पतन होने देंगे, लेकिन ऐसे अवस्था दिखाएंगे कि वो गिरने लगा है। जब वो गिरने लगता है तो उसको सब तो ऐसे जूते पड़ते हैं, तो ऐसा कैसे कर, तो पागल करते हैं, दिमाग खराब हो गया, इतने जूते पड़ते हैं उसको, तो वो अपने आप को बहुत परेशान होता है कि ये कैसा हो गया, मेरे से ऐसा कैसे हो रहा है, इतनी माला करने के बाद भी ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है। इसलिए क्योंकि तो तेरे अंदर कोई साधन का अभिमान ना रहे, भजन का अभिमान नहीं रहे। तो बच्चा आज तक था इसलिए नहीं कि तो अधिक माला करे, तो इसलिए बच्चा, क्योंकि मेरी कृपा चल रही है तेरे पे, तो मेरी कृपा से ही बचा था। कृपा हट गई तो तेरा साधन कुछ भी नहीं है, जहां पे ब्रह्मा की आयु कुछ नहीं है मेरी दृष्टि में, आके झपक के 100 साल गए तो तेरा साधन क्या है मेरे आगे। इसलिए साधन तो कर अवश्य, लेकिन उसका अहंकार मत पालना। ये नहीं सोना कि मैं साधन करूंगा तो गिरूंगा नहीं, भगवान वो भी दिखाते हैं। तो कृपा मान के चल, कृपा से बचा, साधन के अभिमान पाल के मत चल। तो साधन तो करना ही करना, में उसमें कोई दोराय नहीं है, निरंतर करना है, अपने को कुसंग से बचाने के लिए, कर्मों को काटने के लिए, ये बहुत जरूरी है। पाप कर्म से बचोगे, लेकिन कृपा मांगते हुए चलना है कि भाई जो कुछ है, जो नाम मेरे मुख से उच्चारण हो रहा है, उसे मेरी अपनी कोई विशेषता नहीं, वैष्णवों की, साधुओं की, गुरु की और भगवान की कृपा है, उनका अप्राकृतिक काम मेरे जीवन पर नित्य करे, ये हमको मानना है। और लोग कहते हैं कि जो भक्त भक्त होते हैं, भजन करते हैं, मेरे पाप का परिणाम है, नहीं, पाप का परिणाम नहीं होता। जब दुख होता है, जो आश्रित भक्तों पे, वो आश्रित भक्तों पे जब दुख आता है, तो अगर पाप का परिणाम होता तो पाप तो भजन छुड़ाता है, वो भजन बढ़ाने आया है। आप माला बढ़ाने को तैयार नहीं थे, तो भगवान देखते ये माला बढ़ा नहीं रहे, अटका भाई 2-3 साल से, और उसका कथा में सुनता भी कि माला बढ़ते बढ़ाता नहीं, उसके जिम्मे में उथल पुथल ले आता हूँ, विपत्ति खड़ी करता हूँ, तो भय के कारण वो अपनी माला बढ़ाएगा। जब भय के कारण माला बढ़ाएगा, उसकी समस्या का समाधान होगा। फिर थोड़े समय के लिए भगवान देखते हैं कि अभी और आगे बढ़ाता है, के लिए बढ़ाता है, तो इंसान थोड़ा कभी कम देता है या उतना ही करता है जितना उसे बढ़ाता है, 10-12 माला बढ़ाती, उसे आगे बढ़ने को क्या नहीं, फिर ठोकर मारती है जीवन में उसको, फिर उसकी माला और बढ़ती है। इस प्रकार भगवान ही जीव के भजन को बढ़ा के उसको अपने करीब लेके आते हैं। हम बोलते हैं बढ़ाओ तो जीव सुनता नहीं है, मानता भी नहीं है, हाँ हाँ बोलते करते नहीं है, लेकिन भगवान ऐसी परिस्थितियां खड़ी करते हैं कि उसको भजन बढ़ाना पड़ता है, उसका विकल्प नहीं है। तो इसीलिए भी उथल पुथल जीवन में आती है आपके भजन को बढ़ाने के लिए। बुद्धि खराब हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, बैठे बैठे समस्या कोई ना कोई आ जाएगी, क्योंकि तो तुम भजन बढ़ा नहीं रहो, आपकी साधना को तुम बढ़ा नहीं रहो, इससे तुमको इन कठिनाइयों का सामना करता। और जो भगवान तुमसे प्रेम करते हैं,
उन्हें सोच रहे कि तुम्हें निकालना निकालना है, इसलिए वो साधन तुमसे अधिक करवा रहे हैं ताकि तुम संसार से निकलो। तो हमको इस दृष्टि से देखना चाहिए कि भगवान की कृपा ही चल रही है और कुछ नहीं है। उस प्रतिकूल अवस्था में भी मेरा अहंकार टूट रहा है, सहन शक्ति बढ़ रही है, मेरे अंदर दीनता आ रही है, मैं आत्मभाव मेरे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं कि भाई प्रभु अब तो मैं हार गया, तो कृपा कर दे। और सबसे बड़ी बात है मेरे कर्म कट रहे हैं। तो बहुत कुछ जो मैं आपको समझा रहा हूँ और मेरा भजन का स्तर बढ़ रहा है, बहुत कुछ छिपा होता है। प्रतिकूलता में भी कृपा देखना ये सत्संग से समझ में आता है, क्योंकि तो थोड़ी प्रतिकूलता इंसान को यार मैं माला कर रहा हूँ कुछ हो नहीं रहा, कोई फल नहीं मिल रहा, प्रतिकूलता मेरे पाप कर रहा, बिल्कुल नहीं है। पापियों के मुख से नाम निकलता नहीं है। अगर पापियों के मुख से नाम निकलना शुरू हो गया फिर वो पापी कहाँ रह जाता है मुझे बताओ? फिर वो पापी कहाँ रह जाता है? अगर मुख से उसके नाम निकलना शुरू हो गया तो उसके तो पाप कटने शुरू हो गए। तो फिर जो आ रही है ये भगवान की इच्छा से आ रही है आपके भजन को बढ़ाने के लिए, ये प्रतिकूल स्थिति आ रही है। तो ये सब बातें सत्संग में समझ में आती है तब जाके इंसान का भजन स्थिर होता है। इससे कहते हैं भक्तों के बीच में रहने से ही भजन होएगा, नहीं तो भजन अपने आप में नहीं होता, जीव विचलित हो जाता और भजन नहीं होता उसका। इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। तो इसी की मैं व्याख्या है कि हरि को हरि नाम, इसी उपाय से सबका मंगल दिखता है। हरि को हरि नाम, जो हार चुका है उसको हरि नाम ही सहारा है। मैं इसकी व्याख्या की और अन्य उपायों में राग द्वेष उत्पन्न होकर फंस जाने का भय है, क्योंकि अन्य जीव और साधन अपनाओगे तो राग और द्वेष उत्पन्न होगा, ईर्षा के भाव जागृत होंगे आपके हृदय में। लेकिन हरि नाम में ऐसा कुछ नहीं होता है, उल्टा सारे राग द्वेष खत्म हो जाते हैं। भगवान पर विश्वास करो, उनकी कृपा का भरोसा हो और नाम जप होता रहे तो अपने आप ही निर्भयता आएगी। तो कहते हैं विश्वास करो, उनकी कृपा पर भरोसा आपको करना ही पड़ेगा कि भगवान देखो जितना भजन बढ़ेगा उतनी कृपा की अनुभूति, कृपा सब पर है लेकिन उसको हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। जितना आपका भजन बढ़ाओगे उतने आप कृपा की अनुभूति करोगे, मेरे पर कितनी जबरदस्त कृपा चल रही है, उसको कम उसका भजन कम उसको कम कृपा की अनुभूति होगी। तो जैसे जैसे साधन बढ़ेगा उतनी अधिक मात्रा में कृपा की अनुभूति आप करोगे, उतनी मात्रा में आप अधिक कृपा की अनुभूति करोगे। तो उनकी कृपा भरोसा हो और नाम जब होता रहे तो अपने आप ही निर्भयता आएगी, क्योंकि विपत्ति के समय भगवान नाम जब शुरू किया, नाम ने कैसे सहायता की, अंदर से भगवान आपको बुद्धि प्रदान करते क्या करना क्या नहीं करना, आपके मुख से कुछ शब्द निकलता जब बच जाते हो या कोई ना कोई रूप आके भगवान आपको निकाल लेते हैं, किसी को भेज देते हैं, अचानक कुछ नहीं होता, वो आप भजन करो भगवान ही भेज के तुम्हें निकालते हैं उन विकट परिस्थितियों से। जीव अपने आप में विकट परिस्थितियों से नहीं निकल सकता, भगवान का आश्रय लोगे उनका जाप करोगे वही तुम्हें उन विकट परिस्थितियों से निकालेंगे। तुम्हारे में क्षमता नहीं है आपकी समस्या को सुलझाने की, भगवान ही तुम्हारी समस्या को सुलझाते हैं। जीव अपने प्रयास से सुलझाने की चेष्टा करता है, वो सुलझाने के बजाय और उलझता जाता है, लेकिन जब भगवान का आश्रय लेता है तो हर चीज सुलझनी शुरू हो जाती है। इसलिए जीव को निरंतर नाम जप करना चाहिए। तो जब देखेगा कि नाम जपने से किस प्रकार रक्षा है तो उसका विश्वास उत्पन्न होगा, साहस आएगा, हिम्मत करेगा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण हम मिलता है जब रावण गया था सीता को मारने के लिए कुछ अशोक वाटिका में, हनुमान जी पेड़ पर बैठे थे, सोचे मैं सीता की रक्षा कैसे करूं, नीचे आओ लड़ाई करो क्या करो। सीता जी ने राम नाम जपना शुरू किया, नाम जप के प्रभाव से क्या हुआ, मंदोदरी खड़ी हो गई और उन्हें कहा कि सीता जी को मत मारो, सीता जी को उसको मारना ठीक नहीं और उसको रोक लेती है। हनुमान जी को लगा देखो भगवान का नाम कैसे रक्षा करे,
मैं सोचा था कि मैं नहीं होता तो रक्षा कौन करता, मुझे आना चाहिए रक्षा करने के लिए, लेकिन नाम जपने से भगवान ने ऐसी व्यवस्था की कि बचाने वाला उसके घर पर ही मौजूद है। फिर उसने कहा तीर जटा को कष्ट पहुंचाओ, वो कष्ट पहुंचाने तो सबको कहा कि रक्षक कष्ट पहुंचाओ, वो कष्ट पहुंचाने लगी तो हनुमान जी ने सोचा मुझे फिर उतर कर उनकी रक्षा करनी है सीता जी की, राक्षसों को माना है। सीता जी नाम जप करने लगी तो तीर जटा खड़े हो गई और कहते कि सीता जी की सेवा का कल्याण कर लो। तो प्रभु तो देखा तो ये तो राक्षसों का या फिर सज्जन का, या तो बहुत सज्जन दिखाई दे रहा है, आपने बताया कि देख नाम कैसे रक्षा करे। फिर जब हनुमान जी को बांधा उन्होंने और नागपाश में मेघना मान के ले गया तो रावण कहता इसका वध करो। तो जब रावण कहता सब मारने आए, हनुमान जी ने सोचा पहले मैं स्वतंत्र था, मैं लड़ सकता था, अभी तो मैं बंधन में हूँ। तो प्रभु ने सीता जी की दो बार रक्षा की और मैं भी नाम जप करता हूँ, देखता प्रभु मेरी रक्षा कैसे करते हैं। जैसे नाम जप करना शुरू किया विभीषण जी आ गए, कहते दूत को माना ठीक नहीं है और उसको बचा लेते हैं। तो अगर पग पग में देखो तो प्रभु का नाम ही रक्षा कर रहा है अगर देखा जाए तो। तो इसमें कहा है विशेषता मनुष्य की कि वो अपनी कोई विशेषता है, नाम कैसे रक्षा करे ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और आप स्वयं अनुभव करोगे जप करते हुए कि नाम आपकी कैसे रक्षा करता है, आपको कैसे बचाता है, आप खुद अनुभव करोगे। तो कहेगा तो ही निर्भरता आएगी, क्योंकि अनुभव करोगे साहस आएगा, विपत्ति टलना भी इसी उपाय से होगा, यानी नाम जब से ही बड़ी बड़ी विपत्तियां टल जाती है। क्योंकि तो कर्म जब करते हैं तो विपत्तियां अपना प्रभाव कैसे डालेंगी, तो नाम जब से कर्म करते हैं तो विपत्तियां भी टल जाती है। मनुष्य जब सब उपाय से हार जाता है तब उसे हरि नाम सूझता है, यही तो सबसे बड़ी गलती है। हम पर विपत्ति आती तब पर दोस्तों के पास जाते हैं, रिश्तेदारों के पास जाते हैं, पड़ोसों के पास जाते हैं, जो सब विपत्तियों में फंसे हैं अपने आप को तो बचा नहीं सके, वो क्या तुम्हारी रक्षा करेंगे। अगर वो बुद्धिमान होते तो अपने जीवन की समस्या का समाधान नहीं ढूंढ लिया था उन्होंने, अपने घर की समस्या का समाधान नहीं ढूंढ लिया होता, अपने जीवन की समस्या को तो सुलझा नहीं सकते हैं। और चले हमें सलाह देने के लिए हमको क्या करना, अगर इतने ही तुम बुद्धिमान हो तो अपने जीवन की समस्या का समाधान क्यों नहीं ढूंढ लेते। सब समस्या का समाधान प्रभु के द्वार कृपा से होता है, प्रभु के भजन से होता है, लेकिन हमको इतनी अकल नहीं है, हम भागते सबके पास, रोना पीटना होता है और सब तरफ से कोई हमें सहायता नहीं मिलती। तो लास्ट में हम हरिनाम करते हैं, तो जब हरिनाम करते हैं तो कृपा मिलनी शुरू हो जाती है और रस्ते बनने शुरू हो जाते हैं। यही पहले हम करते तो क्या समस्या थी, द्रौपदी ने कब लिया प्रभु का नाम का आश्रय, जब देखा कि पति सहायता नहीं करे, ससुर सामने ने सहायता नहीं की, दुर्वर्ग बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, किसे सहायता नहीं की। फिर अपने उन्होंने भुजाओं का आश्रय लिया, भुजाएं जवाब दे गई, फिर दान का आश्रय लिया, दांतों ने जवाब दे दिया, फिर उन्होंने नाम का आश्रय लिया, गोविंद पुकारा, तब प्रभु ने आने में देर नहीं की, हमने बुलाने में देर की। गजेंद्र की कथा ले लो, हाथियों को मुख लड़ रहा है मगरमच्छ के साथ कई सालों से, उसके घर वाले भी सहायता करे, घर में देखा इसका बचना तो नामुमकिन है, सब छोड़ के चले गए। तो फिर क्या हो गया, असहाय अवस्था में आ गया, भगवान को पुकारा, भगवान गरुड़ पर बैठ के आए और मगरमच्छ का सिर काट गया, उसकी रक्षा की, हाथी की रक्षा की। तो कहने का मतलब क्या है कि प्रभु रक्षा करने में आने में विलंब नहीं करते, हम उनको बुला विलंब करते हैं, हमको निरंतर प्रभु को पुकारना है, निरंतर उसको बुलाना है, तो ही हम बच पाएंगे, अन्यथा बच नहीं पाएंगे, अगर हम उनको निरंतर नहीं पुकारेंगे तो। तभी वह हरिनाम पकड़ता और तभी उसे विजय मिलती है। तो सफलता विजय मिलना प्रभु की कृपा से होती है, बुराई का नाश भी भगवान के द्वारा ही होता है। जितने भी राक्षस मरे आज तक सब प्रभु के हाथों ही मरे हैं, देवता नहीं मार सके, देवता कौन है, सद्गुण और सद्विचार, सद्गुण और सद्विचारों से दुर्गुण और दुर्विचारों का नाश नहीं होता। वही देवता जब भगवान को बुलाते हैं, भगवान अवतार लेते हैं,
नाम जप करोगे, नाम का आश्रय लोगे, तो नाम अवतार होगा, ना प्रभु के अवतार लेने से राक्षसों का नाश हुआ, नाम जप के द्वारा दुर्गुण और दुर्विचारों का नाश होगा और सद्गुण असद विचारों की रक्षा होगी। तो आपको नाम का आश्रय लेना पड़ेगा आपके जीवन के दुर्गुण और दुर्विचारों को नष्ट करने के लिए। बुरे विचार आती है मन में, बुरे भाव की, ईश्वर का के नाम जप करो, नाम ही नष्ट करेगा। अगर बहुत बुरे आ रहे हैं तो नाम की प्रबलता बढ़ा दो, संख्या बढ़ा दो। समझो आप लोग 20 माला करो तो उस दिन 50 माला करो, देखो कैसे दिन तपते हैं। 50 माला करो तो 80 माला करो, 80 करो तो 120 माला करो, देखो कैसे दिन होते। क्योंकि क्या होता है, कौन से संस्कार कब जागृत हुए हमारे अंदर हमें पता नहीं है, और जब जागृत होते बहुत पीड़ा देते हैं। जब बुरे संस्कार जागृत होते हैं उनको नष्ट करो, भगवान का आश्रय लेके निरंतर जाप करके उन संस्कारों को नष्ट करो। उल्ट भाई मत बोलो कि बुरे विचार आते तो मैं माला नहीं करता हूँ, मैं माला छोड़ देता हूँ। तो ये आप सोचो कि मेरा मन कितना मलिन था, जब करता हूँ वो मलिनता बाहर निकल रही है और नए संस्कार आ रहे हैं तो ये बुरे निकल रहे हैं। तो मुझे अब पता चला कि मेरे मन में कितनी मलिनता थी। मैं तो ये सोचता कि मेरा मन बड़ा साफ है। लोग अक्सर बोलते हैं मन को साफ कर, मेरा मन तो साफ है, हमें भजन की जरूरत क्या है। अच्छा उसको बोलो माला करके देख, दो माला कर, पता चला कितने बुरे विचार आते हैं। क्यों? क्योंकि मन मलिन है तभी तो बुरे विचार आ रहे। तब क्यों, आपका तो मन साफ है, फिर आपके मन में बुरे विचार क्यों आ रहे हैं? ये लोग तो करना नहीं चाहते, केवल ऐसे ही व्यर्थ की बातें करते हैं जिनका भजन नहीं करना। मन किसी का भी साफ नहीं है कलयुग के अंदर। अगर साफ होता भगवान की प्राप्ति हो गई होती। सबके मन मलिन है और उसकी अनुभूति कब होती, जब हम माला लेके बैठते हैं। जितने बुरे विचार है वो सब आएंगे, जो आपने कल्पना भी नहीं की ऐसे विचार भी आएंगे। तो वो क्यों आते, क्योंकि सारे वो विचार आपके हृदय बैठे हुए थे, आपको दिखाई नहीं दे रहे थे। भजन के द्वारा अब वो निकलने लगे हैं। यानी आप सफाई करो, जब सफाई करते तो ढोल उड़ती है तो तकलीफ तो देती देती है। अगर सफाई छोड़ दोगे तो ढोल बैठ जाएगी वापस, माला छोड़ के बुरे विचार वापस बैठ जाएंगे। ज्यादा प्रबलता से करो तो एक न एक दिन साफ होगा। कुएं में गंदा पानी है, साफ पानी डालो तो पहले साफ पानी भी पहला होता है। रोज साफ पानी डालोगे एक दिन गंदा पानी तो बाहर निकल जाएगा सारा और कुआ साफ हो जाएगा। उसी प्रकार नए संस्कार डालो, अभ्यास करो, ज्यादा अभ्यास करो हरि नाम का, हरि कथा ज्यादा सुनो। उसका फल क्या होगा, बुरे संस्कार निकल जाएंगे और नए संस्कार आएंगे। तब हर वक्त आप किधर भी चलोगे कुछ भी करोगे तो कोई कथा की याद आएगी, कोई लीला चिंतन होगा, नाम का चिंतन होगा, फिर बुरे विचार आने बंद हो जाते हैं। अब वो आपके ऊपर है, आप कितनी प्रबलता से भजन करो, आपकी साधना कितनी प्रबल है। इससे कहते हैं जितना समय अधिक भगवान की साधना में आप लगाओगे उतना ही ज्यादा भगवान का कथा का नाम का प्रभाव आपके हृदय पर पड़ेगा। लोग सोचते हैं आधा घंटा लगा दे, एक घंटा लगा दिया, 23 घंटे संसार में हो तो संसार ही आपके हृदय में आएगा। जब हरिनाम 80 माला 100 माला करोगे 6-7 घंटे जाएंगे आपके, और भी थोड़ी बढ़ के बैठ के करो। घर से ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से घर आ रहे हो, दुकान पे जा रहे हो, जब ग्राहक तब करो, आने जाने में जो माला थी करो, सबकी लेने जा रहे हो, दुकान पे जा रहे हो, मेडिकल स्टोर जा रहे हो, किधर भी जा रहे हो, बस पे जा रहे हो, ट्रेन में जाप करते हुए जाइए। ऐसे ही हमको अपनी संख्या पूरी करनी है। कलयुग पे बैठ के जगह पे भजन नहीं होने वाला, क्योंकि हमको संसार के काम भी करने और भजन भी अधिक करना है। बाइक चला रहे हो या कार चला तो काउंटर पे जाओ, जाप करने में क्या आपत्ति है? आपको थोड़ी बोला कि आप काम में बाइक पर चलाओ या काउंटर में चलाओ, जाप तो हो रहा है, जीवा से हो रहा है ना। काउंटर पे आप दबा के जाप करो तो उससे क्या होता है, एक्सीडेंट से बच जाते हो। अगर मृत्यु आए भी है तो आप भगवान का नाम जप के शीत छोड़ते भगवान धाम में जाओगे, पहली बात तो पहले बहुत बचाएंगे। अकाल मृत्यु नहीं होती है जो निरंतर जप करता है, भगवान रक्षा करते हैं। इसलिए अभ्यास बनाओ निरंतर जाप करने का। लोग कहते हम सिर उठ के कर लेते हैं, दिन भर करने की जरूरत नहीं है, बस 16 मालों की तो खत्म हो गया। भैया तुम क्या लिखा के आयो कि तुम्हारी मृत्यु दोपहर को नहीं होगी या तुम्हारी मृत्यु शाम को या रात को नहीं होगी, कोई लिखा के आया क्या? सही होगी, अगर शाम को या रात को मृत्यु हुई तब भैया भगवान नाम जाप शीत छोड़ोगे। दूसरी चीज, सुबह से लेकर रात तक जो आपने कर्म किए हैं, चाहे पाप किए चाहे पुण्य किए हो, उसका भोग कौन भोगेगा?
उसका भोगने का तुम दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। निरंतर जाप होगा तो क्या करेगा, नए कर्म बनेंगे जो बनते तुरंत नष्ट हो जाएंगे, जो बंधे तुरंत नष्ट हो जाएंगे। अभ्यास हो जाएगा जाप करने का और अंत समय में से हरि नाम निकलेगा जो मुझे भव सागर से तारेगा। और नाम पर प्रेम देता ही देता प्रेम उत्पन्न होगा, तो उसका फल के प्रमाण क्या है, जिस दिन मालक कम हो व्याकुलता होती है, आप मेरी मालक कम हो रही या मेरी आपके दिमाग खराब हो जाता है। अरे लोग बोलेंगे तो कितनी मालक की, 80 तो बहुत ज्यादा की, नहीं मैं तो 128 मालक करता हूँ, आज मेरी 48 मालक कम हुई है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वो व्याकुलता होती है, वो कोशिश करता है, वो 100-110 तक पहुंचता है, 128 और उसको नींद आती सोता है और नींद में भी जप चलता रहता है, क्योंकि उसका पूरा समय जप में लगा है। संख्या पूरी करनी, नाम जप करना है। नाम जप का चिंतन ही भगवान का चिंतन है, क्योंकि नाम और नामी अभिन्न है। इसलिए भजन की संख्या बढ़ाने से प्रबलता वैसे चिंता रहती है कि मुझे हरिनाम करना है, वो चिंता संसार की चिंताओं से मुक्त करती है। अगर इसकी चिंता नहीं लोगे नाम जप की, संसार की चिंता तुम्हें घेरेंगी, वो तुम्हें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक या बहुत डिप्रेशन सब ले देंगी। नाम की चिंता लोगे, ये संख्या पूरी करने के पीछे पड़ोगे, तब क्या होगा, संसार की चिंताओं से मुक्त हो जाओगे और ये भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कराएगा। इसलिए नाम जप अधिक से अधिक मात्रा में करो और जैसे समय मिलता है उसकी संख्या बढ़ाते जाओ। मिनिमम न्यूनतम 64 माला होनी चाहिए, 80, 96, 120, 140, 150 जितनी कर सकते हो करो, लेकिन भजन कभी भी कम नहीं होना चाहिए। भजन में कभी भी समझौता नहीं होना चाहिए, अन्य चीजों से समझौता करो लेकिन हरिनाम से नहीं। प्राथमिकता हरिनाम की है। सवेरे उठो, नींद चाहे नहाओ या नहीं नहाओ, ठंड है या जो भी है, पहले अगर आप नहीं नहा, कोई काम है, कोई बाथरूम गया हुआ है, आप माला लेके बैठ जाओ, 2-4-6 माला करो, जब बाथरूम खाली तब नहाने जा सकते हो बाद में। यानी शुरुआत ही भजन से करनी है। ठंड है, नहीं नहा सकते, सवेरे 8 बजे नहा लेना, भजन करो। ये मत बोलो कि नहाने के बाद ही करना, ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम एक ही है कि भजन करना है अधिक से अधिक, हरि नाम में स्नान करो। पवित्रता शुद्धता भजन से आती है, शारीरिक स्नान से शरीर साफ हो सकता है, मैल दूर होती है, शुद्धता तो भजन से आती है। जिस शरीर से परों का भजन किया जाए वो शुद्ध है, अन्यथा जितना मर्जी ना लो आप अशुद्ध ही अशुद्ध हो। तो मनुष्य जब सब उपाय से हार जाता है तब उसे हरिनाम सोचता है, तभी वह हरिनाम को पकड़ता है, तभी उसे विजय मिलती है, तभी वो पकड़ता। मैंने इसे एग्जाम्पल दिए कि हरिनाम ही बचाता है। हनुमान जी का एग्जाम्पल दिया, सीता जी का दिया और जो उदाहरण दिया मैंने, इसे आप समझ जाओ। बस दो बात है, भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के नाम का आश्रय। साधु संग करने से, कथा सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। साधु संग नहीं करोगे तो कभी भी दिल नहीं करेगा, भले आपको कितनी भी समझ के हरिनाम सब कुछ है, लेकिन घर में बैठ के साधु संग ही मिलेगा, ये 2-4 दिन देखता माला कम होती, दिल भी नहीं करेगा माला करने को। इसलिए कथा में आते रहोगे, संग में रहोगे, भजन की प्रबलता बढ़ेगी बढ़ेगी, दिल करेगा और करो और करो। जित 2 दिन आओगे, 3 दिन आओगे, जितना दिन आओगे उतना आपके भाव बने रहेंगे और आपका भजन का स्तर बढ़ता रहेगा, आप बचे रहोगे, अपने आप को पतन से बचा पाओगे। तो भगवान की कृपा पर अवश्य, भगवान अवश्य कृपा करेंगे, क्योंकि प्रभु नाम के अधीन है, नाम से नामी प्रकट होता है। और भगवान के नाम का आशय, नाम के अलावा मुझे और कोई साधन नहीं करना और कोई उपाय नहीं करना, क्योंकि नाम की तुलना कोई भी साधन से नहीं की जा सकती, न ज्ञान से, न कर्म से, न कोई दूसरे और कोई पूजा पाठ से, क्योंकि जो कोई अन्य साधन हम अपनाते हैं उसकी शुद्धि भी हरिनाम से होती है। भागवत कथा में जो त्रुटि है वो भी हरिनाम से शुद्ध होगी, रामायण की कथा की उसमें जो त्रुटियाँ होती है वो भी हरिनाम से शुद्ध होती है, वैदिक मंत्रों में जो त्रुटियाँ होती है, वो जो गलती हो गया अनजाने में, वो भी हरिनाम से शुद्ध होती है। जहाँ आरती करो, आरती के बाद भी हरिनाम करना पड़ता है। यानी जो मर्जी करो, सारे साधन करने के बाद हरिनाम क्यों करना पड़ता है, क्योंकि हरिनाम इतना पूर्ण है, जो
जो कम्या दिन सातमई वह हरिनाम से पूर्ण होती। अगर हरिनाम से पूर्ण सारे साधन होते हैं तो हरिनाम को रात दिन क्यों नहीं करते? फिर आपत्ति क्या है? अन्य साधन को शुद्ध करने के लिए, पूर्ण करने के लिए नाम की आवश्यकता पड़ती है लास्ट में, तो निरंतर नाम का ही आश्रय लेके क्यों नहीं करते? क्योंकि जीव को भरोसा नहीं होता नाम। अरे मैं पूजा कर रहा, मैं पूजा में, तो क्या हरि नाम जब मैं पूजा नहीं है, क्या कथा सुनना पूजा नहीं है? सबसे श्रेष्ठ पूजा यह भगवान की मंगल में कथा सुनना, यह अंतकरण को शुद्ध करती है, आपके मन को भगवान के चरणों में लगाती है। कौन कहता है कि पूजा नहीं है? पूजा की परिभाषा क्या है? भगवान को प्रसन्न करना कैसे? कथा से भगवान की तरफ प्रसन्न होते हैं और कोई साधन से नहीं होते, क्योंकि कथा से भाव बनते हैं, अंतकरण की मैल दूर होती है, भगवान का चिंतन होता है, भगवान की महिमा प्रभु खुद सुनते हैं बैठ के, जहाँ पे कथा कीर्तन होता है। प्रभु ने कहा ना मैं वैकुंठ पे वास करता हूँ, ना मैं योग्य करते वास करता हूँ, जहाँ पे मेरे भक्तगण प्रेम से मेरे गुणों का गान करते मैं वहां पे उपस्थित होता हूँ। तो जिधर गुणगान कीर्तन प्रेम से किया जाता है, वहां पे ऋषि मुनि संकादि वगैरह सारे श्रेष्ठ महापुरुष और देवी देवता शिव जी पार्वती दिनेश जी स्वयं हरि आ जाते हैं कथा सुनने के लिए। हमें नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि हम में योग्यता नहीं। ये भी सोचो मैं कितना अभागा हूं, मेरे में योग्यता नहीं उनके दर्शन करने के, ईश्वर तो प्रभु मुझे दर्शन नहीं दे रहे, मैं कितना भागो, मेरे में योग्यता नहीं है। क्योंकि जहाँ पे कथा कीर्तन भगवान वहां पे उपस्थित होते ही होते हैं और भगवान अपनी लीला को सुनते हैं, रस स्वादन करते हैं, लेकिन मेरा मैं कितना भागो, मेरा मन कितना मलिन है, सत्संग में जाकर भगवान के दर्शन नहीं कर पाओ, तो मुझे अपना साधन और करना है। तो भगवान तो बस दो बातें, भगवान की कृपा पर विश्वास और भगवान के नाम का आशय, फिर कोई चिंता नहीं। ध्यान नहीं लगता न सही, मन वश में नहीं होता न सही। आपको किसने कहा कि मन वश में करो? मंगे तो फायदा क्या भैया, मन साफ करो फिर आना। ये तो वही बात होगी, पहले मन को साफ, पहले अपने शरीर को रोग ठीक निरोग करो, फिर डॉक्टर के पास जाना। महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पण माधव, चित्त की शुद्धता कह चुकी है कृष्ण नाम संकीर्तन से, परम वैच श्री कृष्ण संकीर्तन। तो दवाई खाने से तो तुम ठीक हो गए, मन को साफ करो। मन कैसे साफ होता है? भजन करने से मन साफ होता है। मन में अपार कपट है, मन में बहुत बुराई है, पाखंड है, क्या क्या नहीं, प्रशंसा की लालसा, प्रतिष्ठा की लालसा है, ईर्ष्या है, ईर्ष्या कारण तो निंदा ही करते हैं सबकी, द्वेष है, क्रोध है, सभी बुराई हमारे हृदय में बैठी है। चाहे हम उसे ना भी स्वीकार करें, क्या द्वेष नहीं? द्वेष में तो क्रोध होता है, मैं उसको पसंद नहीं करता, उसको पसंद नहीं करता, उसको पसंद नहीं करता, उसमें ये कमी वो कमी कमी, क्या तुम कमी से रहित हो? क्या पहले बताओ, तुम्हारे बारे में सामने नहीं सोचता। अगर भगवान तुम्हारी कमियों को देखना शुरू करे, शायद हमको नर्क में स्थान ना मिले, हम इतने बुरे हैं। लेकिन भगवान नहीं देखते हैं, उनकी कृपा में तुम्हें मौका दे रहे सुधरने का, वो तुम्हें सहन करे हैं, तो तुम भी सहन कर लो, क्यों सहन नहीं कर सकते हो? हम उसका जस नहीं कर सकते, उसके साथ नहीं कर सकते, तो भैया तो फिर दुनिया में तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। ये तो याद रखना, यही एडजस्ट करना, सहन करना, यही वैष्णव होता है। तो वैष्णव आप बने ही कहा हो, अगर आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, सहन नहीं कर सकते हो, तो वैष्णव कहा बने होगी? तो वैष्णव क्या होता है? परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालते हैं। परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होती है, हमको परिस्थिति के अनुसार चलना पड़ता है। परिस्थिति हमारे अनुसार है वो होने वाली नहीं कभी भी, और जीवन में एक दो बार हो जाए तो हो जाए। जो परिस्थिति में हमको भगवान ने रखा है, उसी परिस्थिति में हमें भगवान का भजन करना है, उसी परिस्थिति में हमको रहना है, चाहे वो अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, बस आप भजन करते जाओ। अनुकूलता भगवान लेके आएंगे, तुम अपने प्रयास से नहीं ला सकते, भगवान की कृपा से अनुकूलता है। जो भी कितने भी आप कीचड़ में फंसो, जंजाल में फंसो, भगवान ही तुम्हें निकालेंगे, तुम नहीं निकल सकते। हम चारों तरफ दुष्टों से घिरे हुए हैं। विभीषण को यही तो कहा, मैं वैसे बैठा हूं जैसे दांतों के बीच जीभ, तो हनुमान जी ने कहा तो बहुत भाग्यशाली है, कैसे भाग्यशाली हो? जीभ आगे जाए तो दांत काटते हैं, पीछे तो जा नहीं सकती, अगल बगल दांत काटते हैं, तुम कहते तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुमने कैसे कह दिया? विभीषण ने हनुमान जी को, हनुमान जी ने कहा एक चीज बताओ,
नाश किसका होता है? जीभा का होता है कि दांतों का होता है? दांतों का, क्यों अकड़े होते हैं? जीभ का कभी नाश होता है? जीभ को टूटते हुए गिरते हुए आज तक किसी देखा नहीं। तो यानी तुम्हारा नाश देगा क्योंकि तुम जीव हो, ये जितने जो अकड़े हुए है ना ये सब नष्ट होने वाले हैं। तो हनुमान जी कैसे दृष्टि देते हैं कि तुम भाग्यशाली, तुम्हारा नाश देगा क्योंकि तुम्हें विनम्रता है। और दांत पे जब तिनका फंस जाता है जीपा ही उस तिनके को दौड़ती, दुष्ट पे कष्ट आए तो संत इतने दयालु होते हैं और वो भी दुष्टों के कष्ट को दूर करने की चेष्टा करते हैं, भले उन्होंने उसको दुख दिया गा, फिर वो चाहते हैं बेचारा दुखी ना हो। यही तो संत की विशेषता है, यही तो संत की महिमा है। और जब दांत दर्द होता है, पीड़ा होती है, तो जीपा ही कहती है कि भाई डॉक्टर का भाई इसको ठीक कर दो, बहुत दुख पा रहा है। वो ये तो नहीं कहते कई बार समझे काटा है तो दर्द टूटे तो हमें क्या करना है, नहीं कहते बेचारे को ठीक कर दो, डॉक्टर को कहती है, जीवा तो कहती है। तो संत की प्रार्थना करते प्रभु कृपा कर दो, बेचारे को जाने दो, जो भी है, जो भी जैसा भी है माफ कर दो उसको। ये संत ऐसे ही स्वभाव होता है। और ये स्वभाव बिगैर भजन के नहीं आएगा, भजन कमजोर होगा नहीं होगा, तो बदला अच्छा हो गया मन में तो ऐसा ही होना चाहिए, उसके लायक होना चाहिए। यदि आपके मन में कठोरता है, दया है नहीं तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुमने भगवान का भजन कर नहीं रहे हो, तुम केवल पाखंड कर दिखा रहे हो, तुम हृदय से कर नहीं रहे हो। तुम्हारा उद्देश्य प्रेम प्राप्त करना नहीं है, दूसरे का बुरा करना है, इससे तुम्हें कृपा नहीं मिलेगी, तुम्हें कष्ट भोगने पड़ेंगे। इसको कि तुम दूसरे का बुरा चाहते हो करते हो, इससे तुम्हें कष्ट आते ही आते। जो आप दोगे सोच समझ वही चीज आपको मिलेगी। तो ध्यान नहीं रखता ना से मन वश पे नहीं होता, ना से तुम्हें क्या चिंता, तुम तो दवाई खाओ, दवाई अपना काम करेगी, चाहे कोई 2 दिन में ठीक हो, कोई हफ्ते में ठीक हो, 15 दिन में ठीक हो, ठीक तो होना है दवाई खा रहे तो। जिसका रोग कम वो 2 दिन में ठीक, थोड़ा भयानक हफ्ते में ठीक, बहुत प्रबल तो 15 दिन में ठीक हो रहा है, ठीक तो हो ही रहा है। तो हरिनाम की दवाई खाओ, समय अनुसार तुम निरोगी हो जाओगे। भगवान पापी और नीच के भी उद्धारक है, यह विश्वास है। केवल दीप से भगवान के नाम का उच्चारण करते रहो। मैं पापी हूँ, मैंने बड़े गंदे काम किए, मैं बहुत दुष्ट हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं। अच्छी बात है, कम से कम तुम मानते रहो कि मैं रोगी हूँ। अब केवल मानना पर्याप्त है तो दवाई भी खानी पड़ेगी। तो दवाई क्या, संत के पास जो डॉक्टर के संत डॉक्टर होते हैं वो तुमको हरिनाम की दवाई देंगे और दवाई को खाओ ईमानदारी से और परहेज बताएंगे। कथा में तुम्हें पता चलता है कहाँ मैं गलतियां कर रहा हूँ, क्या क्या मेरी समस्या है, वो कथा के माध्यम समझ में आती है आपको, वो परहेज है। नाम खाओ की दवाई खाओ, तुम ठीक हो जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर डंडे नहीं मारता, डॉक्टर चिकित्सा करता है। संत डंडे नहीं मारते, संत चिकित्सा करते हैं। न्यायालय डंडे मारता है, डॉक्टर नहीं मारता है। एक बार याद रखना, तब भगवान की जो शरणागति है, जो भक्ति है, वो औषधालय है। संत औषधालय है, जहाँ पे चिकित्सा की जाती है वहां पे दंड नहीं दिया जाता। अगर तुम औषधालय जाओगे तब तो तुम्हें दंड मिलेगा मिलेगा मृत्यु के समय, ध्यान रखना। तो कहते हैं पापी और निष्क्रिय भी उद्धारक है। प्रायश्चित को मैं दोबारा ये काम नहीं करूंगा, जो गलती हुई सो हुई, अब मैं दवाई संकल्प करूं। और नाम जब तो नाम जब से आपका बल बल बढ़ता है, आपके बल से इंसान पाप कर्म नहीं करता, और जो पहले के पाप है सब खत्म होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन शर्त है दोबारा नहीं करना। बस विश्वास कर लो कि प्रभु मूर्ति कृपा में है, प्रभु कृपा की मूर्ति है, वो हमेशा कृपा करने को तैयार रहते हैं, हम कृपा लेने को तैयार नहीं। वो तो कृपा करने को तैयार, देने को हम लेना नहीं चाहते। और जीव से नाम का उच्चारण कर दो। यदि हम जीव से भगवान नाम लेंगे तो सभी अंग पुष्ट हो जाएंगे। जैसे रोटी क्या करते हो आप, हाथ को अलग से खिलाते हो, पैर को खिलाते हो, ये शरीर के कोई अंग को जीवा से पेट में तो डालते हो ना, अपने अंग पूरे शरीर का पोषण करता है। उसी प्रकार नाम से जप करो तो सभी कुछ आपका ठीक हो जाएगा, सारे अंग आपके पुष्ट हो जाएंगे, बुद्धि भी सही होगी, दृष्टि भी सही हो जाएगी। दृष्टि सही का मतलब ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होगा, वो दृष्टि उत्पन्न होगी, बुद्धि सही होगी, और कान से कथा सुनने की लालसा बढ़ेगी, फिर संसार की बातें सुने आपको चिढ़ होगी, तो पैर जो है सत्संग में चल के जाएंगे, फिर गलत स्थान पर नहीं जाएंगे,
कथा सत्संग में जाएंगे तो ये सारे अंग खुश हो जाते हैं एक जीव नाम जप करने मात्र से। अंतर के मल को नाश करने के लिए भगवान नाम से बढ़कर दूसरा सुलभ साधन है ही नहीं। यानी मन की मलिनता अंतकरण को शुद्धि के लिए भगवान के नाम से बढ़कर अन्य कोई साधन नहीं है। लेकिन शर्त यह कि इंसान वो चीज दोबारा रिपीट न करे। मतलब क्या होता है वो गलतियां ना करे। वो गलतियां क्या है? मान की लालसा, प्रतिष्ठा की लालसा, अहंकार तो मेरा बढ़ना चाहिए, मुझे मान सम्मान चाहिए, ये सब समस्या हमारे अंदर। मैं कितना महान हूं, दीनता सबसे बड़ी चीज है जो हमको चाहिए, वो अनुभूति साधु संग में रहकर होती है। मैं कितना तुच्छ हूं, या भगवान तुम्हें प्रतिकूल परिस्थिति लाके वो दीनता की अनुभूति कराएंगे। स्त्री बच्चे बूढ़े सभी भगवान का नाम बड़े प्रेम से ले सकते हैं। यानी कोई भी प्रभु का नाम ले सकता है, ये नहीं कि यही क्या ये ले सकता वो नहीं ले सकता, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान के नाम में श्रद्धा नहीं हो, प्रेम नहीं हो तो दूसरे कहने से ही लेना आरंभ कर दो। देखो संत कहता किसी को श्रेष्ठ मानते हो, उसे वो कहता तुम लेना शुरू करो, कोई बात नहीं तुम्हें श्रद्धा नहीं, तुम्हें प्रेम, चलो बोला संत की बात मानते हुए नाम जब करना शुरू, जब रसी करना शुरू कर दो। अच्छा क्या हानि है, क्या दिया करेंगे इसी भाव से, चलो क्या क्या नुकसान क्या नाम से, जीवा से को जेब से पैसा तो जा नहीं रहा, कोई आपका काम तो छोड़ नहीं रहा, चलते फिरते नाम जप करना है, रसोई में खड़े होकर काउंटर पे जप कर सकते हो, चलते फिरते करना है, हमने ये भी काम छोड़ के कोई तो नहीं कर, तो कहानी तो कुछ नहीं है, हमें लाभ ही होगा। नाम दिया करेंगे इसी भाव से, आदत डाले फिर काम होगा ही, यानी तुम्हारे कर्म खत्म होंगे, अनुकूलता आएगी, भगवान का प्रेम मिलेगा, बहुत फायदा होगा। क्योंकि भगवान नाम में वस्तु शक्ति ही ऐसी है, पाप नाश करने की स्वाभाविक शक्ति ऐसी है कि जीव पर नाम आते ही वह मल का नाश करेगा ही, पर जीव पर नाम आ जाए आपके सारे मैल दूर हो ही जाएंगे। क्योंकि ये जैसे अग्नि जलाने से गर्मी मिलती है और जल के सब भस्म हो जाते हैं, तो नाम की विशेषता यही है, वो अग्नि के समान है, सारे पाप जला के खत्म करेगी और आपको शुद्ध करेगी, प्रेम प्रदान करेगी। उसके लिए कुछ अलग से कोई उपाय करना नहीं पड़ता, भाई अग्नि जलाने के से आपको गर्मी मिलती है ना, उसमें तो कुछ प्रयास करना नहीं पड़ता, उसके स्वभाव है अग्नि का कि गर्माश देना, और जो कुछ पड़ जाए वो जला के खत्म करना, तो सारे पाप जला के खत्म करेगी और आपको भगवान का प्रेम प्रदान करेगी, और क्या चाहिए। भगवान नाम पाप का नाश करके ही शांत नहीं हो जाता, केवल पाप नाश करें वो से खत्म नहीं होगा, पाप का नाश करने के बाद हृदय में ज्ञान की ज्योति पैदा करता है, ज्ञान की ज्योति पैदा, आपको ज्ञान जो चीज पढ़ के समझ नहीं आई, जो चीज मेरे समझाने से आप नहीं समझ पा रहे हो, या आपकी क्षमता नहीं समझने की, नाम जब से वो चीज अपने आप प्रकट हो जाती है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण विद्या वधु जीवनम। वधु वधु कहते हैं पत्नी को, किसकी पत्नी है? नाम की पत्नी है। नाम जब करोगे तो उसकी पति विद्या अपने आप आएगी आएगी, विद्या वधु जीवनम। बगैर नाम के ज्ञान किसी काम का नहीं है, बेकार है। नाम के साथ जो ज्ञान आता है वो रियल ज्ञान होता है। ये तो ज्ञान अपने आप समझ में आना बहुत कठिन है, समझना मुश्किल है, समझाना मुश्किल है, और मानव समझ आ भी जाए तो उसके हिसाब से चलना भी कठिन है, और दुधारी तलवार की तरह है, उसमें देर के देर नहीं होती, ज्ञान का विमान बहुत जल्दी आता है। लेकिन नाम जप करने से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उस पे दीनता आती है, भक्ति के सहित ज्ञान आना चाहिए, भक्ति स्वतंत्र है, ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाते हैं भक्ति करने से, उसके लिए चेष्टा करनी नहीं पड़ती। तो पाप का नाश करने हरते में ज्ञान की ज्योति पैदा करता है, ज्ञान के बाद भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करता है। पहले तो ज्ञान उत्पन्न करे, क्या ज्ञान कि मैं जीवात्मा, मैं भगवान का अंश, ये बात दिमाग में घुसेगी तो मैंने अपने अंशी की सेवा करनी है,
हमने शरीर को अपना माना है, शरीर के नाते संबंधियों को अपना माना है और शरीर के नाते लोगों की सेवा करते हैं अपना मान के भगवान को अपना माने नहीं है, तो इसलिए उसकी सेवा नहीं कर पाते हम लोग, हम उसको महत्व नहीं देते हैं। भले हम ये सुनते हैं बुद्धि तक की बात सीमित है, मैं भगवान का अंश हूं, लेकिन मानते नहीं है। अगर माना होता तब भगवान की सेवा करते, मैं तेरे से तो मैं तेरा हूं और तू मेरा है, मुझे तेरी सेवा करनी किसी और की नहीं। और ये बात भी भजन करते 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 यही ज्ञान उत्पन्न होता है कि तू प्रभु कह तेरे को उसकी सेवा करनी, उससे बढ़कर कुछ नहीं है। वो टेस्ट किया था रिना में, एक दिव्य रस आता है तो इंसान छोड़ नहीं पाता है, वो अलग चीज है। और क्या करता है, ज्ञान के भगवत प्रेम उत्पन्न कराता है। तो नाम अगर थोड़ा भी छोटा व्याकुल का होता है इंसान, आज मेरी मालक कमोरी नहीं हो रही है, हुआ यह कि फिर संत नामी खींच खींच आती है। फिर क्या होता है, जब प्रेम उत्पन्न होता है तो नामी अपने आप नाम के जो नाम जब उसके प्रति खींचे हुए आते हैं। मैं इसको विश्राम करता हूँ, आगे हम पढ़ेंगे अगले समय। वांछा कल पत्रो भय त्रिपा सिंधु भय पतिता नाम पावने भयो वैष्णव भयो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।